तो अगर तुम क्लास 10 या फिर क्लास 12 से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि CBSE की तरफ से एक काफ़ी अर्जेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। यहाँ पर दो कंडीशन है, एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, और ये दोनों ही आपकी एक अर्जेंट न्यूज़ की वजह से है। वो न्यूज़ क्या है, आपके सैम्पल पेपर को रिलीज़ कर देगा। सुनना मेरी बात, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, वो सब आ जाएगा, बट एक्चुअल में जो एनालिसिस है वो कोई नहीं बताएगा। सबसे ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। CBSE के सैम्पल पेपर की बात करूं तो सबसे पहला सैम्पल पेपर आपका रिलीज़ हुआ था अप्रैल के अंदर, ये बात आप सबको पता है। अप्रैल में आपका सबसे पहला सैम्पल पेपर भी आया था, सिलेबस भी आया था साथ में, लेकिन उसके बाद आपका एडिशनल और प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ हुआ था। कब? अभी एक दो महीने पहले आपका रिलीज़ हुआ था, जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाई थी, कंप्लीट बताया था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज़्यादा आपके हार्ड फॉर्म में उसको मेक करा गया था। ये बात भाई सच है, ये बात एक्चुअल में सच है। अब इसके बाद थर्ड आपका सैम्पल पेपर रिलीज़ करा गया, कब? अभी एकदम आपका थर्ड सैंपल पर अभी रिलीज कर रखे हैं। इस साल CBSE ने टोटल मिला करके 1, 2, 3 सैंपल पर को रिलीज करा है। इन 3 सैंपल पर रिलीज होने का एक्चुअल मतलब क्या है तुम्हें पता है? CBSE ने आज तक अपनी लाइफ के अंदर 1 से ज्यादा सैंपल पर कभी नहीं निकाला था, इस साल उसने 3 सैंपल पर को रिलीज करा है। इसका मतलब साफ साफ क्लियर है, या तो इस साल आपका पेपर जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड बनाने के फॉर्म में, या तो हो सकता है कि ईजी बना। मैं डरा नहीं रहा, मेरी बात को समझो, देखो सुनो मेरी बात, या तो ये कंडीशन हो सकती है कि आपके तीनों सैंपल पेपर को मिला करके आपके क्वेश्चन पेपर को मेक करा जाए, हो सकता है कि क्वेश्चन इन्हीं में से आपका उठाया जाए। कंडीशन होने को कुछ भी हो सकती है, और इस चीज़ को तुम्हें मान के चलना है कि जितने भी आपके सैंपल पेपर इस साल निकले, ये बात ध्यान से सुनना, सारे सैंपल पेपर को तुम्हें सॉल्व करना है और याद भी कर लेना है, क्योंकि मैं लिखित दे सकता हूँ कि ये सैंपल पेपर या तो आपके सबसे ज़्यादा फायदे के लिए हैं और फायदे के लिए आए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तुम लोग इसको सॉल्व कर लेना। कहाँ से मिलेंगे? तुम CBSE के जैसे एडिशनल पेपर पे जाओगे एकेडमिक पे जाने के बाद, वहाँ पर तुम्हें सारे के सारे सैम्पल पेपर जो है वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने रेड कलर कर लिया इसको, अब देखना ध्यान से। साइंस की बात करूँ क्लास 10 के, यहाँ पर आपका Set 2 यानी कि सैम्पल पेपर 2, Set 1 यानी कि सैम्पल पेपर 1, इसकी मार्किंग स्कीम इसके साथ में है। क्लास 12 की बात करूँ अकाउंटेंसी, ये पेपर 1, इसका Set 2 आपका नहीं है, थोड़ी देर में रिलीज हो जाएगा, थोड़े टाइम में रिलीज हो जाएगा। केमिस्ट्री का आपका नहीं है, ये भी आपका थोड़े टाइम में आ जाएगा। फिजिक्स की बात करूँ, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका थोड़े टाइम के अंदर आ जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। बायोलॉजी का आ रखा है, बट तुम लोग को एक चीज़ का ध्यान देना है कि तुम लोग को अपनी तैयारी पूरी पक्की तरीके से पक्की कर लेनी है। अगर तुम अभी के टाइम पे चूक गए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम फेल भी हो सकते हो भाई, मेरी बात को समझो। अभी के टाइम में मार्किंग स्कीम बताने वाला हूँ, एक और उसके लेकर के न्यूज़ है कि मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इसको लेकर के भी काफ़ी अर्जेंट है। बट उसके पहले काफ़ी ज़रूरी बात, अगर तुम तैयारी नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, प्रवेश बैच, परिश्रम 2.0, इनमें से किसी को भी बाय कर सकते हो। परिश्रम बाय करोगे तो उसके साथ 1.0 फ्री है, प्रवेश बैच बाय करोगे ये सबसे ज़्यादा फायदे का है। CUET की तैयारी 2.0, 1.0, साथ में 1700 का बैच है, परिश्रम 2.0 1800 का है, तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूँ प्रवेश बैच को बाय कर लेना। CUET, परिश्रम 2.0, 1.0, DPP, लर्निंग प्रीवियसर क्वेश्चन, ये वाले सैंपल का सॉल्यूशन सब कुछ तुम्हें एक जगह पे कराया जाएगा, सबसे कम दाम का है। जब तक तुम्हारा यहाँ पे कोर्स खत्म नहीं जाता, पूरा कंप्लीट कोर्स का ये पैसा, ठीक है, तो सबसे कम दाम का है, इसको बाय कर लेना। TOU150 लिख दोगे, 150 रुपये का और डिस्काउंट है, इससे कम दाम का दिवाली के टाइम पे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात को समझ जाओ। अब इसके बाद काफ़ी ज़रूरी चीज़, पहले चलते हैं यहाँ पे सैंपल पेपर पे कि इस साल कैसा सैंपल पेपर है आपका। तो हम आ चुके हैं सैम्पल पेपर पे, पर जो कि 10th का, लेकिन सुनना मेरी बात, यहाँ पर अगर हम नीचे चले, 12th के बच्चों को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनालाइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं समझा नहीं रहा। अगर हम नीचे चले तो यहाँ पर मैंने जैसे MCQ आपके देखे थे प्रैक्टिस पेपर 1 के अंदर, वैसे MCQ इस बार कम कर दिए गए हैं। अगर तुमने NCERT को अच्छे से पढ़ा है, अगर तुमने थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक का यूज़ करा है, तो तुम इन क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर जाओगे। जैसे कि बात करूँ सेक्शन सी पे आ चुके हैं हम, यहाँ पर लिखा साक्षीवास कंपेयर टू द रिएक्टिविटी, ये पूरा का पूरा आपकी एक्टिविटी है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा NCERT को, उसके अंदर तुम समझ जाओगे पूरे के पूरे, एज इट इज NCERT को समझने के बाद, NCERT से रिलेटेड है, कंप्लीट NCERT के अंदर है। इसके बाद बात करूं मेटल एज यूज इन द थर्मोफाइट प्रोसेस, ये भी तुम मतलब ये वाला अगर नहीं हो पाए तुमसे, तो ये वाला तुम गारंटी कर जाओगे, कार्बन चैप्टर से। इसके बाद आपका स्टेट एनी 3 रीजन टू जस्टिफाई द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये भी आपका NCERT से डायरेक्ट रिलेट करता है। मतलब कि आपके सैंपल पर थर्ड को जो निकाला गया उसके अंदर NCERT ज़्यादा फॉर्म में है, तो मुझे पूरा का पूरा चांस लग रहा है कि तुम लोग को डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है, NCERT से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रैक्टिस पेपर 1 के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ थी, बट अब उतनी गड़बड़ नहीं है। अब इसके बाद मार्किंग स्कीम को लेकर के सबसे ज़रूरी चीज़ को देख लेते हैं, तो मार्किंग स्कीम पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसको देखना, MCQ टाइप के जो आपके क्वेश्चन है
ये सुनना मेरी बात, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में अगर तुमने कोई भी गड़बड़ करी, ये आपका ऑफिशियल निकला है, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे और इजी फॉर्म के अंदर, एमसीक्यू को अगर तुमने अटेम्प्ट करा है और पूरा गलत निकल गया तो इसके मार्क्स तुम्हें एक भी नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। सीबीएसई ने साफ क्लियर कट कह दिया है कि एमसीक्यू में अगर एक भी गलती हुई तो नहीं मिलेगा। इसके बाद सेकंड है लिमिट्स ऑफ वर्ड, ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, इसके पहले नीचे चलते हैं स्टेप वाइज आंसर। सीबीएसई ने साफ साफ क्लियर कट कहा है कि अगर तुम एक सीध में पूरे आंसर को लिख दोगे तो हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर देकर ठरका दें, बट अगर तुमने उसी क्वेश्चन को जो पूरा एक सीध में तुमने लिखा स्टेप वाइज में लिख दोगे तो तुम्हें उसके 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे, गारंटी मिल जाएंगे। सीबीएसई इस चीज की गारंटी ले रही है, तो स्टेप वाइज अच्छे से, ऐसा नहीं कि तुम लोग फालतू का स्टेप बना रहे हो, ऐसा नहीं, उसको क्लियर कट अच्छे फॉर्म में अगर तुम स्टेप बनाने की कोशिश करोगे, सीबीएसई इस बार गारंटी ले रही है कि आपको उसके मार्क्स देगी और गारंटी देगी। क्वेश्चन को अगर तुमने अटेम्प्ट करा, ये भी सीबीएसई ने इस बार साफ साफ लिखा है, अगर तुमने अटेम्प्ट करा है अगर उसके मार्क्स तुम्हें मिलने होंगे तो गारंटी मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुमने कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करा एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि सीबीएसई आपके ग्रेस मार्क को इंट्रोड्यूस कर दे। अगर तुम फेल हो रहे हो, तुमने अटेम्प्ट कर रखा बेशक पूरा का पूरा आंसर गलत था, तो हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर दे दे, 1 नंबर दे दे, और ऐसे करते करते तुम्हें पास होने की कंडीशन जो है वो आ जाए। तो इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है, और लिमिट्स ऑफ वर्ड को मैंने पहले यहाँ पे स्किप करा था, इसको देख लेना। लिमिट्स ऑफ वर्ड अगर आपको 150 दिया गया है तो 150 से ऊपर ही लिखने की कोशिश करना, ज़्यादा ऊपर नहीं कह रहा, 250-300 वर्ड नहीं, लेकिन ऐसा लिखना कि यार बंदा जो पढ़ने वाला है वो हिल जाए, ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो टू द वेन द फॉर्म ऑफ द सीज द वेरी, ऐसा कुछ नहीं बनाना नहीं फालतू, एकदम फॉर्म के अंदर आपको उसको जो है वो लिखने की कोशिश करनी है, ये चीज़ का ध्यान देना। और जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, तुम गारंटी पूरे मार्क को ग्रैब कर जाओगे, आराम से ग्रैब कर जाओगे। तो यहाँ पे